नमस्कार दोस्तों, आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2024 जनवरी भी आ गया, क्या बात है ना। चलिए जानते हैं तुला राशि के बारे में कि जनवरी तुला राशि के लिए कैसे रहने वाला। तो लिब्रंस, जानते हैं आपकी लाइफ में अब क्या होने वाला है। आपके जॉब बिजनेस के बारे में बात करेंगे, जानेंगे ऑब्स्टेकल क्या है आपकी लाइफ में और आपका अपकमिंग टाइम कैसा आने वाले हैं। कुछ लोग हैं जो काफ़ी सारे बोलते हैं लाइफ में कि हमको गाइडेंस सही नहीं मिलती है, तो आज उस बारे में एक खास चर्चा करेंगे। और स्पेशल जो स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी है कि हमारे बारे में कुछ बताएं, तो चलिए आज स्टूडेंट्स के बारे में भी कुछ बताते हैं खास। ओके हर चीज़ बहुत जल्दी में नहीं चाहिए, फटाफट जल्दी जल्दी ऐसे नहीं होता है। आपके साथ पता प्रॉब्लम क्या है, सोच समझ के नहीं बोलते हो, बस बोल देते हो, बस कर देते हो। और जब हो जाता है कोई काम खराब तो फिर आती है वो, कहते हैं ना नानी की याद, ऐसा करके कुछ एक डायलॉग है ना ऐसा। बहुत सारे लोग बैठे हैं जो आपके कान भरते हैं। आप इतने समझदार हो, इतने एजुकेटेड हो, हेरिफेंट का कार्ड आया है। हेरिफेंट कोई मतलब कोई ऐसा लल्लूपंजू इंसान नहीं होता जिसे कुछ समझ में ना आए। दुनिया की समझ है, दुनियादारी देखी है आपने, और आप ऐसे पोजीशन पे बैठे हो जहाँ लोग आपके अंडर काम करते हैं। सो यू आर एट दिस लेवल कि आपको पता है किसको किस तरह से ट्रीट करना है, किसको किस तरह से फॉलो अप कराना है, ताकि आपके आने वाले जो फाइनेंसेस हैं वो आपके लिए काम करें। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, आपने सारा तो काम कर लिया, करते करते काम एंड में रुक जाते हैं आपके काम, आपका पैसा रुक जाता है। और पैसा क्यों रुक जाता है, क्योंकि नीचे मैं ऑब्स्टेकल्स देख रही हूँ, तो ऑब्स्टेकल्स में मुझे कोई लेडी नज़र आती है, सम वीनस एनर्जी। अगर आपकी शादी है, आप शादीशुदा हैं, तो आपकी जो वाइफ है वो आपसे नाराज रहती है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ अपने घर की लक्ष्मी को वैल्यू देना शुरू कीजिए। आप अगर जिस दिन वो वैल्यू देना शुरू करेंगे, जितने डेप्थ में अभी आप हैं उसका 10 times यू विल गेट। कैन यू अंडरस्टैंड, 10 times मल्टीप्लाई, बिकॉज शी हैज़ द पावर टू क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ, टू गिव यू ग्रोथ इन योर लाइफ। सिर्फ एक छोटा सा प्यार और एक विश्वास। हर रिश्ते में हर इंसान को क्या चाहिए होता है, सबसे पहली बात होती है हम एक इंसान से बात करते हैं, द रिस्पेक्ट। अगर आप एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उस रिस्पेक्ट के बाद ही एक इंसान पे आपको ट्रस्ट आता है, और जब ट्रस्ट होता है ना तभी इंसान से आप प्यार कर सकते हो। ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है। अगर आप किसी से प्यार करते हो वहाँ इज्जत नहीं है, आप नहीं जाओगे। अगर आपको किसी से प्यार है, आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है, तो आपका प्यार काम नहीं करेगा, खत्म, टाटा बाय बाय, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो क्यों नहीं उस रिश्ते को एक नाम दो, एक प्यार दो, एक इज्जत दो, और उस पर ट्रस्ट करो। जिस दिन आपने अपनी वाइफ को एक लेडी फिगर, मे बी इट कुड बी योर मॉम ऑल्सो, बट यहां पे मुझे वाइफ दिख रही है, टू ऑफ कप्स का भी कार्ड आया, तो ये टू ऑफ कप्स का कार्ड ये बोलता है, और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, शायद आपके दो बच्चे हों, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ आपकी लाइफ बोलती है ऐसा। अगर ऐसा है तो अपनी वाइफ से प्लीज़ एक अपॉलोजी अपनी वाइफ को दे दीजिए। और जितने भी लोग सिंगल्स हैं उनके लिए भी एक बात है, कोई ना कोई तो आपकी लाइफ में कोई एक लेडी है जिसका गुड लक आपके लिए काम करता है। अब या तो वो आपकी बड़ी बहन हो सकती है, आपकी माँ भी हो सकती, हो सकता है आप दो बेटे हों, आपकी मदर आपके लिए बहुत मतलब लकी हो आपके लिए, कि जब भी आप मम्मा से ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं, मम्मा से बात करते हैं, कोई काम नहीं होता है तो आपकी मदर आपको हेल्प कर देती है। तो जैसे ही आपकी मदर आपको गाइड करती है, मे बी बड़ी बहन भी हो सकती है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है, उनके दो बच्चे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और एक बच्चा है ना वो हिडन है, तो कहीं ना कहीं उसमें 3 बच्चे नज़र आते हैं। ऐसा कुछ है, मे बी मिसकैरेज हुआ हो या कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो, बट कोई ऐसी फिगर है जिसके 2 बच्चे हैं। एंड दिस लेडी शी इज़ फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ रिस्पेक्ट, फुल ऑफ ट्रस्ट, फुल ऑफ हार्ट ऑफ लव। सो हर किसी को एक ऐसा ही रिश्ता चाहिए होता है। अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई लेडी है, और अगर आप मैरिड हैं, और अगर आप सिंगल हैं और ऐसी कोई लेडी हो, तो प्लीज़
डोंट यू एवर ट्राई टू लीव दिस लेडी, क्योंकि गुड लक बार बार नहीं आता और ये आपका कुछ ना कुछ पास्ट कर्म है। अब एक बड़ी अच्छी सी बात है, हम जैसे गुरबानी सुनते हैं, कर्मों की बात सुनते हैं, कर्मों की चीज़ें सुनते हैं, तो किसी ने किसी गुरु से पूछा कि यार ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, ये कैसे बनता है। तो गुरु ने बड़ी प्यार से हंस के जवाब दिया कि ये पिछले कर्मों का रिश्ता होता है। अगर तुमने अच्छे कर्म करें तो चंगी बीवी मिलेगी, बुरे कर्म करें तो 24 घंटे कोसने वाली बीवी मिलेगी, परेशान करती है, कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिससे तू परेशान होता है, तो पिछले जन्मों में तुमने भी परेशान किया होगा। और अगर आप वो प्यार, इज्जत, मान सब कुछ दे रही है, तो ये भी तुम्हारे पिछले जन्मों का कुछ है जो तुम्हें मिल रहा होगा। तो अगर ऐसा कुछ सिनारियो बनता है ना, तो प्लीज़ अपने पार्टनर की वैल्यू कीजिए। आप किसी भी स्पेसिफिक जेंडर से बिलोंग करते हो, मैं आपके ऑपोजिट जेंडर की बात करती हूँ। तो उस गुरु ने पूछा, गुरु से पूछा उस इंसान ने कि मेरी बीवी मुझे 24 घंटे ताना देती रहती है, 24 घंटे चोच मारती रहती है, बता सकते हैं आप इसका क्या रीज़न है। तो पता है उन्होंने हंसते हुए क्या जवाब दिया, पिछले जन्म में तू एक कौआ था और तुम्हारी जो वाइफ है वो एक गाय थी, और उस गाय को चोट लगी हुई थी और तुम बार बार उस चोट पे जाके अपनी चोच मार रहे थे। अब वो गाय बोल नहीं पाई, पर तुमने आज वो तुम्हें जो चोच मार रही है ना, तुम अपनी असली चोच उसके घाव पे मारते थे तो उसको दर्द होता था, बट वो बोलती नहीं थी, तो वही तुम्हारी बीवी के रूप में तुम्हारे पास वापस आ गई। सो कर्मा ऑलवेज कम्स बैक, पास्ट कर्मास ऑलवेज कम बैक। हमारे जीवन में जितने भी रिश्ते हैं ना कहीं हमारे सब पास्ट कर्मा से रिलेटेड होते हैं। बच्चा हो गया, बीवी हो गई, माँ बाप हो गए, सब कुछ। तो ये समझने की ज़रूरत है कि आपके कर्म तो इतने अच्छे हैं कि आपको बहुत रिस्पेक्टफुल, प्यार करने वाला पार्टनर मिला है, तो उसकी आप आज इज्जत कर लीजिए, अब कर लीजिए। अभी तक तो जो बीत गया बीत गया, हेरिफेंट का कार्ड आया है, ये कार्ड यही दिखाता है कि एक इंसान कभी गलत नहीं होता और हर इंसान सही भी नहीं होता, सब में इफ बट नो यस सब में होती है। इस बात को समझ लीजिए, आपका जो धन है वो आपकी लक्ष्मी से या आपके पार्टनर से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका अगर पैसा रुक गया, तो जैसे ही आपकी लाइफ में आपके पार्टनर की एंट्री होती है, आप वेलकम करते हैं, उसको रिस्पेक्ट और इज्जत देते हैं, पुरानी गिले शिकवे सब मिटा के ख़त्म करते हैं, तो आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपका जॉब, आपकी ग्रोथ, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ एंड प्लस द फैमिली रिस्पेक्ट जो आपको नहीं मिल रही है, जिसकी आप हकदार हो, वो सिर्फ एक छोटी सी चीज से आपकी लाइफ बदल सकती है ना। कितनी प्यारी सी बात है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अपने माँ बाप से लड़ना बंद कर दीजिए कि हमको बाहर जाना है। आपके पेरेंट्स शायद आपको अपने से दूर नहीं भेजना चाहते, इसलिए शायद आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, बट मत कीजिए, क्योंकि जो होता है ज़िंदगी में अच्छे के लिए होता है, एंड दैट्स फॉर योर बेटरमेंट। अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि कुछ नया होने वाला है, अराइवल। अब आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करी है, 2024 अब जो आया है और 2023 का जो साल बीता है पूरा, उस पूरे साल में आपकी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, आपकी पूरी लाइफ बदल गई है। आपका जो नेचर था, आपको शायद ज़िंदगी ने सिखा दिया, दिखा दिया कि असली चीज़ें क्या होती हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आपके कार्मिक डेप्थ क्लियर हुए हैं, जितने भी लोग का लाइफ में जो उथल पुथल चलता है, लॉसेज हुए हैं, ये सब आपको कुछ सिखाने के लिए किया गया है, तभी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती। आपके कार्मिक लोगों से आपको मिलवाया गया, जिन्होंने आपको नुकसान दिया, आपको दर्द दिया, आपके दिल पे चोट लगाई, आपको कुछ लोग छोड़ के चले गए, कुछ लोग बात नहीं करते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी क्लैरिटी नहीं मिल रही थी आपको। अब आपको इंसान की, पैसे की, परिवार की, हर उस इंसान की आपको कद्र समझ में आ गई है और समझनी चाहिए मेरी इस वीडियो को देखने के बाद, कि अभी भी संभल जाओ। 2024 जनवरी का महीना आपको ये
बता रहा है कि अब ये 2024 आपके लिए सही हो आने वाला समय, क्योंकि मैं आपकी फुल ग्रोथ देख रही हूँ। टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फुल ग्रोथ देख रही हूँ, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अर्थ एलिमेंट आपका स्ट्रॉन्ग है, बट कहीं ना कहीं हर चीज़ रुकी पड़ी है, एक प्रेशर ले रखा है। क्यों नहीं इस सर के जो टेंशन है, इस टोकरे को उतार के ज़रा साइड रख दो, किसी से बात करनी है, कुछ उसकी कम्युनिकेशन करनी है, स्टैंड योर ग्राउंड्स, इमीडिएटली एक्शन लो, अराइवल करो, कहीं जाओ, अपने आप को यू नो सैनिटाइज करो। सैनिटाइज मीन्स कि अपनी सफाइयाँ करो, अपनी अपने अंदर झांक के देखो वेयर यू आर रॉन्ग, क्योंकि गलतियां तो इंसान से ही होती हैं, आपसे ही हुई हैं। सो सैनिटाइजिंग डज नॉट मीन कि हम बाहर से सैनिटाइज कर रहे हैं, आपकी सैनिटाइजेशन अंदर से होनी है, फ्रॉम द इनसाइड ऑफ योर सोल। बोला नहीं जा रहा, बोलो, बोलना ही पड़ेगा, काम नहीं होगा, प्लीज डू इट। अगर चाह रहे हो ये सब हो आपकी लाइफ में तो कर दीजिए, देखिए कैसे होगी बारिश की वर्षा और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस। चलिए जी, लव लाइफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लव लाइफ आपकी। अरे वाह, इट्स अ वेडिंग कार्ड, क्या बात है, किसी की बजने वाली है शराई, देखिए ट्रस्ट आ गया है ना। मैंने आपको यही बात बोली, आप किसी एंगल पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, आपने या तो किसी का ट्रस्ट थोड़ा या आपका ट्रस्ट टूटा। पहले अपने पे सोच लो कि व्हाट यू वांट, लव योर सेल्फ, पहले अपने पे ट्रस्ट करो, और अगर वाकई में यू हैव दिस पार्टनर प्लीज़ गो एंड ग्रैब इट। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो प्लीज़ अपनी वाइफ को लेके कहीं चले जाइए, ट्रस्ट कीजिए, अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट कीजिए, सब कुछ पुराना भुला दीजिए, एंड दिस इज़ फॉर श्योर द वेडिंग कार्ड इज़ देयर। तो जी, आपकी शादी की बजने वाली है शहनाइयाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी तक आप इस चैप्टर पे काम नहीं कर रहे थे, अब होगा वो काम। सो इस गुड लक को अपनी लाइफ में इन्हांस कर लीजिए और देखिए आपकी लाइफ कैसे बदलती है। फिर भी कहीं अटक जाए तो कॉल डॉक्टर अर्चना जैन, फिक्स योर अपॉइंटमेंट, पर्सनल रीडिंग्स आर नॉट फ्री, नीचे दिए हुए नंबर पे, ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस, नो कॉल्स। फिर भी कुछ और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। मिलती हूँ नई वीडियोस के साथ फेब में, नमस्कार।